वेलकम टू माय चैनल, मैं शत्रुघ्न शर्मा। आज आप लोगों के लिए एक नए प्रश्न को लेकर आया हूँ जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आसान तरीका से इसे कैसे बनाया जाएगा उसे मैं सीधे आपको बोर्ड में बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन बता रहा है कि 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या कीजिए। सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, क्रय मूल्य के सामने 16 है, लिख दीजिए 16 क्रय मूल्य बराबर बोला है, आप बराबर दे दिए। आपको विक्रय मूल्य के सामने 14 है तो आप लिख दिए 14 विक्रय मूल्य। अब इसे रेशियो बदलते तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य के सामने 14 है तो विक्रय मूल्य के सामने 14 कर दीजिए, क्रय मूल्य के सामने 16 है तो इसे 16 कर दीजिए। आपसे पूरा बराबर इसलिए भी बराबर है, काट दिए 2 से 14 2 से 16। लाभ बराबर हम लोग जानते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 8 में से 7 क्या तो आपको हो गया 1। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या निकालना है, तो यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ लिख दीजिए, लाभ प्रतिशत 1/7 क्रय मूल्य 14.2/7%, 14.2/7% मतलब एक नंबर आपका आंसर हो गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।